क्या आप भी डिप्रेशन की वजह से और स्ट्रेस की वजह से परेशान रहते हैं और आपका मूड अक्सर ख़राब रहता है? तो चलिए हम आपको इसका आसान हल बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन और स्ट्रेस को। आप लोग सभी जानते होंगे कि मूड, डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये तीनों चीज़ें का आपस में बड़ा मेल जोल है। क्या आपने कभी नोट किया है कि आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन और स्ट्रेस किसी न किसी सूरत में आ ही जाते हैं? तो क्या कभी आपने इनसे निकलने का आसान हल भी तलाश किया है? नहीं ना, ये बहुत आसान है इनसे निकलना। जस्ट आपको अपना मूड ठीक करना चाहिए। मूड ठीक करने के लिए कोई ख़ास आलात की ज़रूरत नहीं है, कुछ ख़ास माहौल की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने अपनी जगह को चेंज करना है। जिस जगह आप फील कर रहे हैं कि आपका मूड ऑफ है, आप उस जगह को चेंज कर लें। इसके अलावा आप अच्छे दोस्तों में बैठे उठे अच्छी महफिल को अपनाएं, खुशियों वाले माहौल को अपनाएं, और अपने आप को फिट रखने के लिए आप डेली वर्जिश करें। वर्जिश करने से आपका जो स्ट्रेस होता है, वो दबाव जो होता है आप पे, जो तनाव होता है, वो बहुत हद तक कम हो जाता है। दूसरे नंबर पे चीज़ आती है ज़हनी दबाव। ज़हनी दबाव या डिप्रेशन एक ऐसा मसला है जिससे आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, जिसमें आपने अपने मूड को यानी तबीयत को ठीक रखना है। उसके लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि उस माहौल से, उन लोगों से आप अवॉइड करें जो कि आपको डिप्रेशन का सबब बन सकते हैं। आपको चाहिए कि इससे बचने के लिए आपको वर्जिश करनी चाहिए, थेरेपी करा लेनी चाहिए, और यानी कि अपने तर्ज़ ज़िंदगी को तब्दील करना चाहिए। अगर ज़्यादा मसला हो जाए तो आपको अपने डॉक्टर से भी मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारी का आगाज़ जो होता है, उसे आगाज़ में ही आप डायग्नोज करवा लेंगे तो आपके लिए आगे जाके वो किसी बड़े मसाइल का सबब नहीं बनेगी। और तीसरी चीज़ है तनाव। तनाव एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से हमारा जिस्म, दिमाग और बाकी साहब जो है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते जैसे हमें करना चाहिए। तो इसका भी आसान हल यही है कि आपको डेली वर्जिश करनी चाहिए, अपनी तरजीहात को, तवज्जोहात को उस साइड पे लेके आना चाहिए कि हमें तनाव कम से कम आओ, कम से कम गुफ्तगू करें, अच्छी गुफ्तगू करें। अगर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं टाइम से तो बड़ी अच्छी बात है। आपको चाहिए कि 5 वक्त नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने से आपको ज़हनी दबाव, तनाव और जो मूड है आपका बड़ी हद तक ठीक हो जाएगा। तो कोशिश किया करें कि अदवियात से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को, यानी वर्जिश को, और नमाज चूँकि एक बेहतरीन वर्जिश है, इसलिए हमें चाहिए बीइंग अ मुस्लिम कि हमें 5 वक्त की नमाज़ को अपनाना चाहिए। शुक्रिया।